सवाल बहुत ही बढ़िया होंगे, एनसीईआरटी बेस सारे सवाल हैं जिनको आपको चूज करना है, जिनको आपको समझना है। तो मैं पहला सवाल आपके सामने रखता हूं। एक संख्या 458,926 में 8 का स्थानीय मान क्या है? बहुत ही सिंपल सवाल है, क्योंकि आज प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पर हम डिस्कस करेंगे। तो आपको बताना है 458,926 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। ए 8, बी 8,926, 1,000 या 800, इनमें से कौन सा सही जवाब होगा आपको बताना है। और आप सभी जानते हैं, हेलो दापू, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन दापू ने यहाँ कहा है, वेरी गुड, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, जिससे कि ये वीडियो आपके पास जाए और आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएं। तो जल्दी से करिए। पहला प्रश्न मैंने दिया है आपके सामने, जहां पर है 458,926 में 8 का स्थानीय मान। तो देखिए कैसे करते हैं, बहुत सिंपल जवाब दिया आपने, तो हम क्या करते हैं, जिसका मुझसे स्थानीय मान पूछा है मैं सिर्फ उस वैल्यू को रखूंगा, बाकी सबको जीरो कर दूंगा। 9 की जगह 0, 2 की जगह 0, 6 की जगह 0। तो राइट ऑप्शन 8,000 एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया है। अंजलि, बहुत बढ़िया। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। 0.06537 में 5 का स्थानीय मान क्या है? तो यहाँ पर 5 के स्थानीय मान की बात हो रही है और अब ये पॉइंट में है। तो जनरली हम संख्यात्मक ज्ञान तो आराम से ले लेते हैं, लेकिन बात हो रही है पॉइंट्स में। तो आप डेसिमल नंबर में किस तरह से स्थानीय मान को ज्ञात कर पाएंगे, देखते हैं आपके सवालों के जवाब क्या होते हैं। तो समझिएगा, 0.06537। तो देखता हूँ जवाब क्या मिलता है जल्दी से। तो 0.06537 में अगर मैं 5 के स्थानीय मान की बात करता हूँ, देखिए जब स्थानीय मान इधर चलता है तो वो टेंस में चलता है, लेकिन जब वो इधर चलता है तो 10^-1 चलता है। 10^-1, 10^-2, 10^-3, 10^-4 और 10^-5। यानी अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 5×10^-3, यानी 5/10^3, या आप कह सकते हैं 5/10^3 बार, यानी 1000, यानी 5/1000। बहुत बी ऑप्शन सो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 3 0 इधर से नहीं काउंट करना, इधर से काउंट करना है। सी इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल बढ़िया, अब आपने सही दिया है सी ऑप्शन, दैट इज 5/1000। आप जनरली ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं करने का, अगर आप 10^10 से कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसको भी समझा देता हूं। सवाल था 0.06537, तो आप सिर्फ जिस संख्या को पूछा है ना मैंने, उसको रोको, बाकी सबको जीरो करो, तो क्या हो जाएगा, 0.00500, यानी इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता दशमलव के बाद, तो 0.005। अगर इसको भिन्न में बदलो तो कैसे बदलोगे, 0.001, तो 5/1000। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, तरीके सब कुछ आपके सामने हो। सेशन को जल्दी से आगे बढ़ा दो दोस्तों, जिससे कि सबके पास पहुंच जाए और बेहतरीन क्वेश्चंस को आपको करने का मौका मिले और आपके साथ ही भी इन सवालों को कर पाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सरिता, चंचल, गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेरी वेरी गुड। तो आपके ग्रुप में जल्दी से इन्फॉर्मेशन को शेयर करो और एक और सवाल तब तक मैं आपको कर देता हूं। क्वेश्चन है 76,82,463 में 6 के स्थानीय मूल्यों में क्या अंतर है? 6 के स्थानीय मानों में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। अब देखो 6 का स्थानीय मान निकालना है और आप उसका डिफरेंस भी निकालना है, तो व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो चलो शुरू करते हैं, इसका क्वेश्चन का भी आंसर क्या मिलता है। तो देखिए आपके सामने मैंने क्या कहा था, जब भी क्वेश्चन निकालना हो तो सिर्फ आप उस वैल्यू को रखें, बाकी सबको जीरो। तो जब मैंने इसको निकाला 76,82,463, जब मैंने इसको निकाला तो मैंने 8 को रोका, बाकी सबको जीरो पुट कर दिया। जब मैंने इस 6 का वैल्यू निकाला तो मैंने बाकी सबको जीरो पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा, 0000060, यही तो होगा। यानी अब आपको दोनों को घटाना है, तो यानी क्या मिला, ये दोनों खत्म हो गए। 80,000 में से 60 को घटाना है, और 80,000 में से जब आप 60 को घटाएंगे तो आपके आप आंसर क्या पाएंगे, देखते हैं जवाब आपका क्या मिलता है। क्योंकि माफ कीजिएगा, 6 का स्थानीय मानों का था, मैंने 8 का निकाल दिया है, इट वुड बी लुक लाइक दिस। एक मिनट रुकिएगा, मुझे
फिर से मैं लिख देता हूँ 7682463। तो इस 6 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 6 और 2 2 4 1 5 0 1 2 3 4 5, इस 6 का आगे के अंक दैट इज 60 घटा दे भाई साहब तो क्या मिला 0 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5, तो यानी ऑप्शन इज बी। बहुत ही खूबसूरत, उत्तम, अति उत्तम, बहुत बढ़िया जवाब आप लोगों का मिल रहा है। हाँ, 6 कर दिया है मैंने, टेंशन मत लीजिएगा श्रीराम, तो इट विल बी 6, बहुत बढ़िया। तो राइट ऑप्शन दिया है आपने बी, क्या बात है, खूबसूरत जवाब आप लोगों के मिल रहे हैं आज। इसी तरह से खूबसूरत सवालों को मैं करता चलूंगा आपके साथ। तो देखता हूँ, एक नया सवाल आपको देता हूँ और पूछता हूँ आप उसका जवाब क्या देते हैं। ओके, लेट्स मूव गाइस। क्वेश्चन है, 7765 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 45 और शेषफल 25 आता है, भाजक क्या है। अब देखते हैं भाजक के बारे में बात होगी, तो भाजक क्या है ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। सिंपल सवाल है और जल्दी से कोशिश करेंगे सभी लोग करने का, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तो देखिए, अगर मैं जनरली आपसे इस सवाल की बात करता हूँ तो पहले आप समझ लो ये होता क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप नहीं हैं तो। हमेशा ये ऐसे होता है, भाज्य में आप भाजक का करते हैं भाग, आपको जो उत्तर मिलता है उसको बोलते हैं भागफल, और नीचे जो यहाँ कटकटा के बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। अब आपने देखा मैंने 16 में फॉर एग्जाम्पल 3 का भाग किया, तो 3 अपन जे 15, शेष बचा 1, तो 16 कैसे प्राप्त करते हैं, इसकी गुणा इसमें करते हैं और प्लस ये कर देते हैं, तो आपको ये मिल जाता है। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ भाज्य मुझे निकालना है तो क्या करूँगा, मैं भाजक मल्टीप्लाई बाई भागफल जमा शेष, ऐसे तो करते हो। अगर मैं सवाल की बात करता हूँ तो यही तो फॉर्मूला लगाते हो, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो उसने बोला भाजक क्या है, अब भाज्य तो आपको पता है ये रहा, तो लिख दो उसकी जगह 7765। भाजक आपको नहीं पता लेकिन आपको भागफल पता था 45 है और शेष भी पता था 25 है, 25 को इधर भेज दिया तो भाजक इज इक्वल टू व्हाट, ये हो गया 7765 माइनस का 25 बटे 45, यानी 7740 अपॉन 45 दैट इज 172। बहुत बढ़िया, यानी आप सबको पता लगा क्वेश्चन को कैसे करना है। खूबसूरती से जवाब आप लोगों के मिले हैं 172, एकदम सही जवाब आपने दिया है बी, यानी आप तो बहुत ही बढ़िया से पढ़ रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से थम्स अप। इसी तरह से सवाल करते रहिए, जवाब मिलते रहेंगे, खूबसूरती के साथ आपके सवाल आ रहे हैं और खूबसूरती के साथ आपके जवाब उनके रिटर्न में आ रहे हैं। मेरे सवाल आपके जवाब लगातार कामयाब हैं और धापू आकांक्षा रिंकी धाप चंचल ज्योति अंजलि बहुत ही खूबसूरती से आप लोग सवाल करें, बाकी सभी मेरे दोस्त भी कमेंट देने की कोशिश करें जिससे कि हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट अच्छे से कर पाए। एक और सवाल, क्वेश्चन है 43 मल्टीप्लाई बाई 44 मल्टीप्लाई बाई 45 अप टू डॉट 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 40 क्या है। मतलब है कि भाई 43 44 45 गुना 46 गुना 47 गुना 48 ये सारी संख्याएं लिखी हैं, इनमें इकाई के अंक क्या होंगे ये आपको बताने हैं, तो 3, 1, 2 या 0। तो यहां पर समझने की कोशिश करें, अभी मैंने आपको जब इस सेशन में स्टडी कराया था तब मैंने आपको बताया था कि अगर गुणा करने पर किसी भी स्थान पर गुणा करने में अगर किसी भी स्थान पर इकाई के अंक में 0 है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 होगा मल्टीप्लाई के बाद। तरीका नंबर 2 क्या बताया था, अगर 2 अंकों की गुणा करने पर 0 मिल जाए, यहाँ पर 5 के साथ सम संख्या मिल जाए तो वो हमेशा इकाई का अंक 0 देगा। जैसे आपने देखा भाई 4 5 20 0 मिल गया आपको। अब जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे जहां पर भी आप जाएंगे तो 0 की मल्टीप्लाई जिसमें भी होगा वो आपको 0 ही देगा। तो राइट ऑप्शन एकदम सही पकड़े हैं आप, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी, 5 का सी नहीं होगा, 5 का सी नहीं होगा, दैट इज 0 अंजलि, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करने पर जब भी प्राप्त करेंगे तो आपको 5 के साथ जब भी किसी इवन नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो वो उसको 0 बना देता है। इज इट क्लियर, बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब देख लो, अगर किसी भी संख्या का हम वर्ग करते हैं, कोई भी संख्या ए टू जेड इस वर्ड में
अगर आप उस संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। लेट्स सी, ओके, तो लेट्स सी, ओके, लेट्स सी जवाब क्या मिल रहा है आप लोगों का। इतने शांत कैसे हैं जवाब आपके, पांच। तो देखते हैं जवाब कौन सा अंक हो सकता है। अब देखो किसी भी, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से समझना इस एनालिसिस को। किसी भी संख्या को बनने से अगर आप बनाते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पर ये नंबर आ सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसके अलावा तो कोई अंक नहीं आएगा ना यूनिट प्लेस पर। आप कोई भी अंक, अगर कोई भी संख्या इस वर्ल्ड में या इस पूरे मैथमेटिक्स में बनाने की कोशिश करते हैं तो 0 से लेकर 9 तक ही अंक आ सकते हैं, इसके अलावा तो कोई अंक नहीं आएगा। इज इट क्लियर? क्लियर। तो अगर मैं इन सब का वर्ग करता हूँ तो 0 का वर्ग करता हूँ तो आपको 0 मिलता है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 क्योंकि उसने बोला वर्ग कर दो उसका, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। आपने क्या देखा, यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 0, 1, 4, 9, 6, 5 और 6, 9, 4, 1, यानी ये रिपीट हो रहे हैं वापस। आपने क्या देखा, जय हिंद निधि। तो आपने क्या देखा, यानी आप जब भी किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर सिर्फ ये संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। यानी कौन कौन सी संख्याएं बची, 2, 3, 7, 8। ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जो किसी के भी स्क्वायर में नहीं आई। देखा ना आपने, ये संख्याएं ऐसी हैं जो किसी के भी स्क्वायर में नहीं आई। यानी अगर किसी की संख्या के यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 है तो समझ लेना वो किसी का वर्ग नहीं हो सकती। समझ में आ रही है ना बात सब लोगों को? अच्छा लग रहा है तो जल्दी से बताओ यस, कमेंट में वाई टाइप कर दो अगर समझ में आ रहा है तो। तो यानी आपने क्या देखा कि 2, 3, 7, 8 किसी भी स्क्वायर में नहीं आती, तो यानी इनमें से 2, 3, 7 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, सिर्फ 5 वो संख्या है जो किसी के स्क्वायर में बन सकती है, जो कि मैंने आपको बताया। तो राइट ऑप्शन था डी। समझ में आएगा पूरा एनालिसिस? समझ में आ गई बात? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खास बात, बहुत ही खास तरीके से आपने उत्तर दिया जो बहुत ही काबिल तारीफ है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से मैं रख रहा हूँ, ये रहा। सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। एक और सवाल, 1/4 तथा 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या कौन सी होगी? यानी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल आपसे एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं कि 1/4 और 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या लिख दो, कौन सी है इनमें से, 7/24, 7/12, 1/12, 2/15। प्रणाम प्रिया, कैसी हैं आप? तो देखते हैं आपके जवाब क्या मिलते हैं मुझे और तेजी से क्या आप इसके जवाब देते हैं। तो मैं देखना चाहूंगा आपका जवाब कैसे मिलेगा। इसके मध्य की बात हो रही है, मध्य मतलब मिड में, एग्जैक्ट मिड में कौन सी संख्या आएगी, मैं एग्जैक्ट मिड की बात कर रहा हूं। इन दोनों के मध्य, मध्य में, मिड में, संख्या तो सारी ही इसके अंदर आ जाएंगी, लेकिन इन दोनों के मिड में कौन सी संख्या आएगी, बिल्कुल सेंटर में कौन सी संख्या आएगी, या आप कह सकते हैं 1/4 और 1/3 के माध्य एक परिमेय संख्या कौन सी है। तो देखते हैं, अगर मैं किसी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2 और 4 के बीच की संख्या कौन सी है, तो आप सिंपली बता देंगे ना मुझे, मैं एकदम अच्छा हूँ भैया, तो क्या करेंगे भाई, 4 और 6 के 2 के बीच में 3 आता है। ऐसी मैंने कहा अच्छा बताओ 6 और 8 के बीच में क्या आएगा, आप बोलेंगे 7 आएगा। मैंने कहा आपसे तो भाई ये बताओ 12 और 14 के बीच में क्या आएगा, आपने कहा 13 आएगा। तो मैं ऐसे ना कैलकुलेट करके, हाँ मैं YouTube पर भी पढ़ाता हूँ सफ़ी, ऐसे ना करके हम क्या कर सकते हैं, हम क्या इन दोनों को जोड़ सकते हैं, देखो 4 और 2 6 और 2 से डिवाइड कर दो तो 6/2 = 3, 8 और 6 = 14, 14 को 2 से डिवाइड कर दो 7, 12 और 14
तो आप डिवाइड कर दो तो कितना हो, 14 और 12 26 का आधा 13। तो आप समझ में आया मैंने कैसी लिखी संख्या है? तो क्यों ना इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या काम किया, मैंने माध्यक संख्या निकाली, 1/4 + 1/3/2 कर सकता हूँ। तो आपने देखा 4 + 3 = 12 इसका एलसीएम, तो 3 + 4/2 12 × 2 = 24, तो 7/24 द राइट ऑप्शन इज ए। अभी क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? आसानी से समझ लो, जब भी आपको एक संख्या मध्य में निकालनी हो तो सिर्फ ये तरीका अपनाओ, आपका सवाल चुटकियों में हो जाएगा, आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है कि नहीं? आ गया ना समझ में? बात ही खूबसूरती से आपने समझा। चलो तो आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और देखते हैं क्या होता है सवाल का। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो यहां पर एक सवाल और लेते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भी सेशन को आगे भी तो शेयर कर दो, लोगों के पास पहुंचाओ जल्दी से, जिससे और लोग भी जुड़े और कॉम्पिटिशन में ज्यादा मजा आए, है ना? तो शेयर करते रहो सेशन को साथ साथ में, कंजूसी नहीं करो शेयर करने में। 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? ये सवाल मैंने आपको एक दिन पहले भी समझाया था, अगर ये समझ में नहीं आया हो तो फिर भी मैं इसको दोबारा से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शायद ये सवाल मैंने आपको डिटेल में समझाया था पहले भी, फिर भी समझ नहीं आया हो तो मैं फिर से इस सवाल को आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। ओके, तो देखते हैं आपका जवाब और हमारे सवाल क्या आपके साथ मिलते हैं और आप क्या जवाब हमें देते हैं। तो उम्मीद है कि आप एकदम सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर देखा आपने, क्योंकि मिड में निकालना है ना रेनु भाई, हमें मिड में निकालना था, बीच की संख्या कैसे निकाल सकते हो आप? दोनों को जोड़ के आधा कर दो, मिड वाली संख्या अपने आप मिल जाएगी, बीच की संख्या कैसे निकालोगे? ओके चलो, तो सवाल देखते हैं, आपके सामने दिया है ABCD के रूप में और मैं चाहूंगा 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी हो सकती हैं? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 50 to 100? तो यहां पर 11 मुझे आकांक्षा ने जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, 50 और 100 के बीच की यहां पर बात हो रही है कि 50 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं। ओके वेरी गुड, हालांकि मैंने कल आपको एक एनालिसिस कराया भी था इसका, शायद आपको याद हो। तो 11 बताया जा रहा है, सब 11 बता रहे, चलो बता देते हैं, छोटा सा समझना पहली बार। शायद मैंने कल एक कोड लिखा था, आपको शायद याद है, 4443221, याद है कुछ? ये मैंने कोड लिख के बताया था कल आपको, 4443221, मतलब 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अभी आगे की संख्या चलती जो 50 से चलती है, तो 50 से 60 दो, 60 से 70 दो, 70 से 80 तीन, 80 से 90 दो और 90 से 100 एक, टोटल जोड़ दे कितनी हो गई, दैट इज 10, है ना? समझ में आया? तो मैंने कल एक कोड भी आपको शायद लर्न कराया था, 4443221। तो 1 से 100 तक की संख्याओं को काउंट करने का जो अभाज्य वो सबसे आसान तरीका है, नहीं तो आप गिनते रहोगे 1, 29 हो गई, 39, ऐसे गिनोगे तो मुश्किल होगा। ओके हाँ, 4442321, बिल्कुल सही कहा था आपको आपने। अदरवाइज मैं आपको दिखा भी देता हूँ, नेक्स्ट पर देखो, ये प्राइम नंबर का चार्ट है, ठीक है ना? तो यहां से देखो 50 से आगे ये था ना, यहां से 50 से आगे इस वाले से आगे चलते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 आ गई ना। इसका दूसरा तरीका भी था, आप उसको ऐसे भी कर सकते थे, हाँ अभी दिखाता हूं, इसको दूसरे तरीके से कर सकते थे। 1 से 100 तक जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं 25, 1 से नंबर होते हैं 15। ओके, अगर आप इसमें से 25 में से 15 घटा दोगे यू विल गेट 10, और 50 से 100 तक संख्याएं होती हैं 10, इसलिए टोटल 25 हो जाती हैं। ओके, तो मैंने कोड क्या बताया, 4443221, क्लियर है? ओके, 4443 322 321, ठीक है ना? ओके माफ करना, 4442, ये मैंने 3 के लिख दिया,
हाँ माफ कीजिएगा 4422। आप यहां पर इस कोड को ऐसे भी पढ़ सकते, देखो चार यहां पर दो यहां पर ठीक है। हाँ 22 कर दिया मैंने, 4422 322 321, ठीक है ना, इज इट ओके। आगे बढ़ जाऊं, वेरी नाइस, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, देखता हूं उसका जवाब क्या देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, क्वेश्चन है 42² - 38² = 4k दिया हो तो k का मान बताओ क्या होगा। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, 42² - 32² = 4k, तो k का मान आप क्या बता सकते हैं, लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके साक्षी, अभी आगे भी चलेंगे सवाल में, तब आपको और दोबारा से सवाल को बताया जाएगा, डोंट वरी, अभी और सवाल आएंगे, है ना, बस आप ध्यान से पढ़िएगा। तो ऐसे सवालों में करते समय आपको क्या करना है, तो उसको भी देख लेते हैं। सवाल आपके सामने है, जवाब भी आपके सामने होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन सी। तो यहां पर 9th का A, 4 मुझे बताया जा रहा है, आप 4 भी बता रहे होंगे, आप 16 भी सोच रहे होंगे, कुछ लोग 80 भी सोच रहे हैं, कुछ लोग 96 भी सोच रहे हैं। तो ये चॉइस तो आपकी, आप क्या सोच रहे हैं वो मुझे बताइएगा, लेकिन सवाल का जवाब तो कुछ और ही कहता है, वो तो कुछ और बोलता है, ए ऑप्शन ज्यादा दिया जा रहा है। चलो समझ लेते हैं, देखो ये था 4k = 42² - 38² तो मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसा, a² - b² का फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं a - b और a+b, इसका स्क्वायर मत करना, ऐसे करना। तो आप क्या कह सकते हैं, 4k = 42 - 38 एंड 42 + 38, तो 4k = what 4 × 80 और k = what 4 × 80/4, 4 से 4 कट गया, That is 80. तो k का वैल्यू कितना हुआ, हाँ आपने गलत तरीका यूज कर लिया शायद, तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, दैट इज 80। इज इट क्लियर, किसी को प्रॉब्लम, कोई समस्या किसी को, बहुत बढ़िया भाई, लाइक सेशन को करते रहें, जिससे कि आप लोगों के सवाल और मेरे जवाब और आपके, मेरे सवाल आपके जवाब लगातार चलते रहें। तो यहां पर आपने एकदम सही किया है, क्लियर, मुझे बताया कि क्लियर हो चुका है, ओके गलत हो गया, कोई बात नहीं, सही भी करेंगे उसको। अब नया सवाल आपके सामने रख रहा हूं, दीजिएगा जवाब एकदम तरीके से और मजबूती के साथ। तो देखते हैं आपका जवाब यहां पर इस सवाल के लिए क्या होने वाला है, ये तो आप बताएंगे और मैं समझूंगा। तो यहां पर सवाल का जवाब क्या होगा, क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा प्रश्न है, अच्छा सा सवाल है, अच्छा सा जवाब आप मिलेंगे। अगर a + b / c = b + c / a = c + a / b = k हो तो k का मान क्या है, it's 0, it's 1, it's 2, it's a + b + c। तो आप अपने आंसर में क्वेश्चन भी मेंशन कर दिया करें, जैसे क्वेश्चन आप 10 लिखा है तो 10 का क्या आंसर है, 9th का क्या आंसर है, तो प्लीज ये भी मेंशन आप कर दिया करें, जिससे कि हम आसानी से आइडेंटिफाई करें कि कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया है। और अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हम आपके लिए और नए क्वेश्चंस को जोड़ पाए, आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं। तो यहां पर अपने सुझाव भी साथ साथ में देते रहें, जिससे कि हमें पता लगता रहे कि हाँ भाई आप लोग तैयार हैं। और ऑप्शन बी चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर मैं बात करता हूँ a + b / c = k, क्योंकि k सबके बराबर है, ऐसी b + c / a = k, ऐसे लिखा है c + a / b = k, यही तो लिखा है। तो चलो हमने सवाल किया और कहा कि a + b = क्या हो जाएगा, आपने कहा ck, आपने कहा इस a को उधर भेजें, b + c = क्या, आपने बोला ak, आपने कहा चलो c + a = b इधर चला गया, तो आपने दोनों साइड्स को ऐड कर दिया, RHS और LHS को ऐड कर दिया, क्या पाया ऐड करके, तो देखो a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c, ये क्या हो गया, ये हो गया आपके सामने ck + ak + bk। अब क्या करें, दो यहां से कॉमन निकाला तो क्या बना, a + b + c, और ये क्या हो गया, यहां से आपने k बाहर निकाल लिया, a + b + c,
अब देखो कॉमन दोनों तरफ a प्लस बी सी था तो k इज इक्वल टू टू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई किसी को? टू इज द राइट ऑप्शन, आपको समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों के सवाल जो हैं वो सॉल्व होते जा रहे हैं। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि कंटेंट वाइज स्टडी हम आपको देंगे, तो देखते रहे अब नंबर सिस्टम के लगभग मैं अब तक आपको 80 सवाल करा चुका हूँ जो सारे एग्जाम बेस्ड थे, और फिर भी सिलसिला जारी है और आपके सवाल एग्जाम बेस्ड लगातार जारी है। तो आप डेली इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, शाम को 5 बजे मैं लेता हूँ आपके समक्ष इस सेशन को। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, यदि 2a plus b upon a plus 4b is equal to 3 हो तो a plus b upon a plus 2b का मान इनमें से क्या होगा? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है साहब। बहुत सिंपल सा सवाल है आपके समक्ष, यदि a b आपके सामने दिया है तो उसका जवाब भी आपको देना है और हम चाहेंगे उत्तर आपका सही सही मिले। तो देख लेते हैं कैसे सवाल वो करते हैं आप और जवाब क्या मिलता है। क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत अच्छे से समझ में आया रंजना को, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। बहुत ही सुंदर सवाल है, देखो ऐसे सवाल को करते समय एग्जाम में आते हैं, यूपी टेट में, आपको बार बार बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आपको रीट और यूपी टेट में रखे मिल जाएंगे। तो बी रेडी, बी प्रिपेयर फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छे हों तो एक बार जरूर लाइक करिएगा। चलो देख लेते हैं, सवाल था 2a प्लस बी। सर मैथ सब में लास्ट में से फर्स्ट ही हम बट सीख लेंगे। अरे सीखेंगे आप तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। सफी अपॉन a प्लस 4b इज इक्वल टू 3 है, तो मैंने क्या काम किया इसको उधर भेज दिया, तो क्या बना 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3a प्लस 12b। तो मैंने देखा a को इधर b को इधर भेज दिया, तो ये क्या होगा इसको इधर माइनस का a इज इक्वल टू 11b, b को उधर भेज दिया तो क्या बन गया, आपने कहा a अपॉन b इज इक्वल टू माइनस का 11 अपॉन 1, ये हो गया ना। तो मैंने इसको रेशो में कन्वर्ट कर लिया, ये मेरा रेशो है, यानी रेशो क्या बना कि a अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 1। और आप तो जानते हैं जब भी मैं किसी क्वेश्चन को करता हूं तो मैं रेशो के बेस पर कर लेता हूं, ए का वैल्यू माइनस 11 और बी का वैल्यू 1 पुट करके देखता हूं, मुझे आंसर यूं ही मिल जाएगा, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बी स्मार्ट। तो आपने देखा ए प्लस बी अपॉन ए प्लस 2b, तो ए का वैल्यू कितना माइनस का 11 और बी का वैल्यू प्लस का 1 अपॉन ए का वैल्यू माइनस 11 और बी का वैल्यू, क्योंकि दो एकम दो, तो क्या बना आपने कहा माइनस का 10 बटा माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गया, आंसर इज 10/9। समझ में आ गया? तो आप इस सवाल को अगर दूसरे तरीके से करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बेसिक तरीके से। तो अब मेहनत नहीं करना है, चीजों को कूल एंड आसान तरीके से समझना है और आपके आंसर एकदम रॉक हो जाएंगे और आपके जवाब एकदम तरीके से आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि आपके सवाल और हमारे जवाब मुस्कुराएंगे। चलिए तो यहाँ पर समझ में आया ना सबको, आसान था? हाँ, दिमाग लगाना है और आंसर पाना है, मैथमेटिक्स में दिमाग का ही खेल है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13 फॉर यू गाइस। यदि x प्लस 1 का व्युत्क्रम मीन्स इनवर्स, यदि x प्लस 1 का इनवर्स x माइनस 1 है तो x का मान है जब x बराबर 1 के नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन याद रखिएगा कि x का वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। तो x प्लस 1 का व्युत्क्रम x माइनस 1 है तो आपको बताना है x का वैल्यू क्या है अगर x 1 के बराबर नहीं है। तो चलो देख लेते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। आसान आसान सवाल है और इनको आप आसानी से कर लेंगे, इतना भी मुझे उम्मीद है। व्युत्क्रम की बात हो रही है, इनवर्स की बात हो रही है, तो इनवर्स कैसे निकालते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि x का इनवर्स हमेशा 1/x होता है, यही तो होता है, या x का इनवर्स x माइनस 1 होता है। उसने इसको बोला है कि अगर x ये है तो उसका इनवर्स ऑलरेडी ये है, तो मतलब क्या हुआ x प्लस 1 का इनवर्स
ये है तो वन अपॉन एक्स माइनस वन हो गया, ये तो होगा। अगर हम आपसे बात करें यही तो सवाल का मीनिंग था, तो आपने कहा हाँ जी बिल्कुल यही मीनिंग था, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इसको उधर भेज दिया तो क्या बना, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन, यानी एक बार जोड़ा एक बार घटाया तो ये तो कुछ ऐसे आया ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू वन, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस वन, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, तो एक्स का वैल्यू दैट इज रूट टू। बात समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया उम्दा प्रदर्शन आप लोगों की तरफ से हो रहा है, सवाल के जवाब भी बड़े अच्छे अच्छे से आप लोगों के आ रहे हैं, खूबसूरत जवाब अच्छे से दिया आपने इसका, सवाल का उत्तर जो हुआ है खास। तो अब करते हैं आगे बात, सीधी बात, नो बकवास, और आज तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस लगातार दमदार तरीके से आप लोग कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बार क्लैप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 14, संख्या क्वेश्चन नंबर 14 है ये, संख्या 5k 3 4 5 7 में k का मान क्या होगा जबकि संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी आपको बताना है 5k 3 4 5 7 में k का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k जबकि संख्या 11 से पूरी तरह से कटती हो, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो यहां पर ऑप्शन मिला है आप सब लोगों का, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि 11 से जो संख्याएं कटती हैं तो 11 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, तो आप सभी जानते हैं, थैंक यू दापू। तो विभाजकता का नियम क्या कहलाता है, वो कहता है कि किसी भी संख्या के सम स्थान पर आए अंक माइनस विषम स्थान पर आए अंक, इन दोनों का योग, इसका भी योग इसका भी योग, अगर उन दोनों का डिफरेंस या तो जीरो है 11 है तो संख्या 11 से डिवाइड होती है, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं सवाल यही था, सवाल था 5k 3 4 5 7, तो अपने पहले ऑड प्लेसेस देखे, नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस कौन सी, 7 4 और k, और इवन प्लेसेस कौन कौन से हुए, 5 3 और 5, तो मैंने देखा 5 और 5 10 और 3 13, तो जो इवन प्लेस हैं उनका सम 13 है, जो ऑड प्लेस 7 4 11 प्लस k, मुझे बताओ इस के की जगह मैं क्या पुट कर दूं जिससे कि जीरो बन जाए, तो आप के की जगह क्या पुट करेंगे, आपने कहा सर के की जगह आप सिंपली 2 पुट कर दो, तो 13 माइनस का 11 प्लस 2 यानी 13 माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो राइट ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, गॉट इट। तो जल्दी से वाई लिख के बताओ, क्लियर कट हो गया, जल्दी से वाई लिखकर अपने आप खुशी जाहिर करो कि हाँ भाई आपको समझ में आ गया है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बढ़िया, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया वाई आने लगे। क्वेश्चन है 100 और 1000 के बीच कि किसी संख्या में से उसके अंकों का योगफल घटा देने से प्राप्त संख्या सदैव किससे विभाजित होगी, सवाल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, 100 और 1000 के बीच की किसी भी संख्या में, यानी 100 से लेकर 1000 की कोई सी भी संख्या हो, उसमें से उसके अंकों का योगफल घटा देने से प्राप्त संख्या सदैव किस संख्या से विभाजित होगी, तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, और आप चाहेंगे इसका जवाब कैसे देंगे तो ये तो आप पर डिपेंडेंसी है, अदरवाइज मैं तो हूँ आपके साथ आपके लिए जवाब देने के लिए, तो फिर मैं आपके सवालों के जवाब दे देता हूँ, लेकिन पहले आप कोशिश करें जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ओके, मैं दोनों तरीके से करा देता हूँ इसको, एग्जाम्पल देकर भी करा देता हूँ और विदाउट एग्जाम्पल भी करा देता हूँ, तो यहाँ पर ए भी मिल रहा है और सी भी मिल रहा है आंसर, चलो देख लेते हैं जवाब क्या है। देखिए 1000 और 100 कोई भी संख्या जो आपको पसंद हो वो ले लो, आपने कहा सर मैं तो 235 संख्या लेता हूँ, है ना, उसने कहा 235 में से अब इनके बीच संख्या ली 235, उसके अंकों का योग, इसके अंक कौन से होंगे, 2 प्लस 3 प्लस 5, इसको घटाता हूं, तो आपने क्या देखा
235 माइनस का 5 3 8 हो तो 10, तो 225। अब 225 से कटता है, देखो 5 और 4 9 9 से कट जाएगा, 5 और 4 9 भी है तो 3 से भी कट जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी ये संख्या 9 से भी कटेगी 3 से भी कटेगी, 9 ऑप्शन में था नहीं तो 3 से कटेगी ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो आपने कहा कि भाई एक संख्या लेते हैं 987, ठीक है ना, चलो 600 भी लेते हैं, इज इट क्लियर? सब अभी लेके बताते हैं। तो इसमें से क्या घटाना है, 9 + 8 + 7, तो 9 8 5 17 और 7 24, 24 इसमें से कम कर दो। आपने देखा 7 में से 4 गए 3, 8 में से 2 गए 6 और 9, तो 9 और 6 15 और 3 18, 18 किससे कटता है, 9 से कटता है ना, और 3 से भी कट, जो संख्या 9 से कट, ठीक है ना। अब आपने कहा कि भाई 600 संख्या ले लो, चलो भाई 600 को लेके देखते हैं क्या मिलता है। 600 पर 600 में से आपने अंकों का योग देखा, क्या होता है 6 + 0 + 0, तो यानी 600 में से आपने 6 घटा दिए तो 594, तो 9 और 4 13 और 5 18, 18 क्या होगा, अब तो समझ में आ गया ना, ये भी 9 से कटेगा ना। तो यानी ये संख्याएं जब आप करते हो 100 और 1000 के बीच की किसी भी संख्या में उसके अंकों का योगफल घटा देने से प्राप्त संख्या सदैव 9 से कटती है। बड़ी से अब यहां दो सवाल बन सकते हैं कि कटने वाली या काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या 9 है और छोटी से छोटी 3 है। इज इट ओके, क्लियर, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेरी नाइस। एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं क्या जवाब देते हैं आप उसका, ठीक है ना। ओके लेट्स सी, जवाब आपके सवाल हमारे और एक्सप्लेनेशन भी हमारा। तो नया सवाल आपके स्क्रीन पर, यदि एक्स और वाई किसी संख्या 6 5 3 xy का दो अंक, अब देखो एक्स और वाई इस संख्या के लास्ट के दो अंक हैं और वह संख्या 80 से विभाज्य हो, तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। सवाल बहुत ही खूबसूरत है, ऐसे सवाल इस बार आने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, याद रखिएगा इस तरह के सवाल आने के चांसेस इस बार बनते जा रहे हैं। उसका रीजन भी है, क्यों बनते जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब नॉर्मल सवाल से ज़्यादा इस तरह के मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जिसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक लगता है, थोड़ा टफ बन जाता है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं चाहूँगा आपका जवाब मुझे मिले। अब इस सवाल को समझने की कोशिश करिएगा, तो हमें दोनों का वैल्यू निकालना है, एक्स का भी और वाई का भी, उन दोनों को टोटल करके रख देना है। अब यानी यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो आंसर एक्स और वाई में नहीं दिए ना, आपको एक्स और वाई दोनों को जोड़ के दिया, तो कुछ भी हो सकता है। चलिए तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। ओके तो संख्या थी 6 5 3 x और y, अब समझते रहे ना कहानी क्या, उसको 80 से डिवाइड करना है। अब देखो यानी अगर मैं इसको 80 से डिवाइड करता हूँ तो इसके अंत में डिवाइड करने के वाले में 0 है, वो 80 से डिवाइड हो जाती है पूरी। इसका मतलब क्या है कि लास्ट वाली संख्या 0 है तो यहां पर भी 0 होगा तभी तो कटेगा। छह बजे खत्म हो जाएगा सफी, ये 6 बजे खत्म हो जाएगा, हाँ मैं समझ सकता हूँ, 6 से पहले खत्म कर देंगे। ओके सवाल क्या है, अब अगर आप दिमाग लगाओ किसी संख्या में डिवाइड कर रहे हैं, वो कोई भी संख्या हो और वो पूरी पूरी कट रही है, उसके नीचे 0 है भाग देने में, तो यानी इस वाली संख्या में भी 0 होना चाहिए ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई वाई का वैल्यू तो 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ 80 से डिवाइड करने पर पूरी तरह से कट रहा है, यानी इसका वैल्यू वाई का वैल्यू तो 0 होना चाहिए, तभी तो 0 से 0 कटेगा, यानी वाई का वैल्यू फिक्स हो गया 0। अब संख्या बची है 6 3 x और 0, अब आपको इस संख्या को ढूंढना है कि x क्या होगा। अब यानी सवाल आपके सामने कहता है कि भाई अब आपको बताना है कि संख्या को मैं ऐसे कर लूं, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, 8 × 10 है ना, तो 10 से तो कट गया 0, अब इस संख्या को 8 से डिवाइड करना है, 0 से 0 काट दिया, अब इस संख्या को 8 से चेक कर लो क्या ये 8 से कटेगी। तो 8 से कटने का रूल क्या होता है, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से कट जाएं तो संख्या भी कट जाती है,
अब यहाँ पर 3x0 है, अब इसको डिवाइड करना है आपको 8 से, तो देखिए इसमें क्या आ सकता है, आपने कहा 820, 8 चौक 32, 2 भी आ सकता है ना, यानी संख्या 320 भी आ सकती है और संख्या 360 भी आ सकती है, तो दो संख्या मिली ना 8, अगर आप देखा जाए 320 भी तो कट जाता है 8 से, 8 चौक 32। लेकिन 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 इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि टोटली आप डिवाइड कर रहे हैं 80 से, तो यहां पर इसमें 80 का कंसेप्ट भी लगा, अगर आप इसमें 2 पुट करते हैं और अब इसको 0 से 80 से डिवाइड करते हैं, तो ये संख्या 80 से नहीं कटेगा, क्योंकि 0 पहले से कट चुका है, समझ रहे हैं ना बात को, इसीलिए यहां पर आपको 6 पुट करना होगा, तो संख्या क्या बनेगी, पूरी संख्या क्या है, 6 5 3, एक्स का वैल्यू 6 और 0, ये सही आंसर है, 6 5 3 2 0, ये 80 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये पूरी संख्या नीचे वाली 8 से नहीं कटती, ये वाली संख्या 8 से कट जाती है, इज इट क्लियर, इसलिए x का वैल्यू क्या हुआ, x का वैल्यू हो गया 6, अब इन दोनों को जोड़ना था, तो 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6 इज द राइट आंसर, क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना था क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आपको समझ में आ गया है, तो लाइक वाइक करो दोस्तों, जल्दी से लाइक वाइक करो और आगे बढ़ो, नए सवाल की तरफ देखते हैं, तो एक और नया सवाल आपके सामने है, कुबेर कैसे हैं आप, क्लियर, वन मोर, किन्हीं 3 सतत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को पूरा पूरा विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, यानी देयर आर 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, इफ यू मल्टीप्लाई ऑल 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू दैट डिवाइड्स दैट मल्टीप्लीकेशन, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, ये भी हो जाए, सवाल का जवाब आपकी तरफ है, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, सतत कंटिन्यूअस जिनको कॉन्जुगेट एलिमेंट बोलते हैं, क्रमागत भी होता है, सतत का मतलब क्रमागत, बढ़िया, चलिए तो जवाब देखते हैं, जवाब क्या मिलता है आपका, कि 3 सतत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को पूरा पूरा विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है, तो देखते हैं भाई प्राकृत संख्या होती है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जो किन्हीं 3 को पकड़ लो लगातार, ये 3 हो सकती हैं, ये 3 भी हो सकती हैं, ये 3 भी हो सकती हैं, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, पहले मैं इस कपल 3 को लेके करता हूँ, 1 × 2 × 3 = 6, इनको करके देखते हैं इन तीनों को, तो क्या होगा, 4 × 3 = 12 × 2 = 24, इनको देखते हैं 8 × 6 = 48 और 7 × 6 = 42 में 8 की गुणा कर दो, तो 8 × 2 = 16, 8 × 4 = 32 और 1 = 35, आप जिसको भी डिवाइड करेंगे तो वो किससे कट सकता है, तो आप देखो सबसे पहले हम सबसे वर्स्ट केस देखते हैं जो सबसे छोटा वाला है, 12 से तो कट जाएगा, लेकिन ये तो नहीं कटेगा ना, पहले 3 अंक तो नहीं कटेंगे 12 से, दापू ओके आकांक्षा भाई पहले वाले 3 अंक तो नहीं कटेंगे ना, हमें सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सवाल को करना होता है, तो मतलब क्या है, सबसे छोटा मल्टीपल जो बना वो 6 बना, तो ये सभी संख्याएं बड़ी से बड़ी संख्या 6 ही है जो इनको काटेंगी, क्लियर है, बात समझ में आ गई, क्योंकि 6 सबको काटती चली जाएगी, तो 3 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा 6 से डिवाइड होता है, बहुत बढ़िया जवाब, तरीके से आप जवाब देते तो बड़ा खूबसूरत आनंदमय माहौल यहां पर बन जाता है, एक और सवाल लेता हूं आपके समक्ष और देखता हूं उसका जवाब क्या है, यदि x+1:8 = 3.75:7 हो तो x का मान कितना है, तो ये तो आपको रेशो वाला कुछ सवाल बनता है, अब x का वैल्यू निकालना है, तो ये तो आप सब जानते होंगे कि x+1:8 = किसके दिया है, 3.75:7, यही तो है, और ये जो बराबर वैल्यू लिखी होती है तो इसके बारे में शायद आपको ज्यादा बताने की मुझे जरूरत ना पड़े, क्योंकि अब इसको आप कैसे करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं ऐसे, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, यानी 7 × x + 1 = 8 × 3.75, है ना, बात समझ में आ गई, नहीं एक मिनट सी देखो ये 6 नहीं कट सकता ना, 6 से नहीं कटेगी ना, वो संख्या डिवाइड करने वाली संख्या वो 6 है, 16 से कहां से आया, 16 से कहां, 24 कहां 16 से डिवाइड होता है, 6 कहां डिवाइड होगा 16 से, नहीं हो सकता ना, इस वजह से
चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो आपने देखा ये सवाल, अब क्या हुआ, आप ऐसे कर सकते हैं ना, x प्लस वन इज इक्वल टू वॉट, एट मल्टीप्लाई बाई 3.75 अपॉन 7, है ना, तो 23/7 बहुत ही खूबसूरती से आपने, तो गुणा कर लेते हैं, चलो 8 × 5 = 40, 8 × 7 = दशमलव में संख्या है नहीं, तो आंसर तो भिन्न में निकालना होगा, तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, 8 × 5 = 40 कहाँ से लगे, 4 × 8 = 56 और 4 = 60 और 8 × 3 = 24 और 36, तो ये क्या बना 30/7। अब एक यहां पर था, तो x इज इक्वल टू वॉट 30/7 − 1, तो कितना बना 30 − 7/7, दैट इज 23/7। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को, आसान सवाल था, यू कैन इजीली मैनेज, इजीली हैंडल दिस क्वेश्चन बाय दी, ओके वेरी गुड, हाँ बिल्कुल कुबेर एकदम सही आपने पहचाना। देखो हम सबसे वर्स्ट केस देख लेते हैं, सबसे वर्स्ट केस कौन सा था हमारा इस क्वेश्चन में, सबसे वर्स्ट केस कौन सा था, सबसे छोटी संख्या ये थी, अब जो इनको डिवाइड करेगा सबसे छोटा वही होगा, वो सबको कर देगा, है ना। तो एक और सवाल, 20वां प्रश्न, ए रेशो बी प्लस सी इज इक्वल टू 1:3 और सी रेशो ए प्लस बी इज इक्वल टू 5:7, तो बी इज टू सी प्लस ए का वैल्यू आपको बताना क्या होगा। अच्छा सवाल है, बड़ा सा सवाल है, और इस बड़े से सवाल का बड़ा सा जवाब भी आप देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है सवाल, लेकिन आप इसको आसानी से कर लेंगे, तो यहां पर जवाब क्या मिलेगा, लेट्स सी। तो आपको बी रेशो सी प्लस ए बताना है। दिव्या बिल्कुल, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, ए इज टू बी प्लस सी इज इक्वल टू 1:3 एंड सी रेशो ए प्लस बी इज इक्वल टू 5:7, तो बी रेशो सी प्लस ए का वैल्यू क्या होगा। तो देखो अगर मैं सवाल को करता हूं, ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/3, आपने कहा सी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 5/7, आपने किया, दो वैल्यू मिल गई आपको, तो आपको निकालना था ये b अपॉन c प्लस ए। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि a का वैल्यू ये है और c का वैल्यू ये है, b प्लस c का वैल्यू ये हो जाएगा, a प्लस b का वैल्यू ये हो जाएगा, तो आप इजीली क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, है ना, ऐसा दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि आप तभी वैल्यूज को लेते हैं क्योंकि यहाँ दो वैल्यू का सम है, सम में भी डिफरेंट है ना, नहीं तो आप नहीं कर देते अगर ये ऐसा होता कि a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 5 और b प्लस c का वैल्यू 3, तो भाई c का वैल्यू आपको पता था 5, तो ये गलत हो जाएगा ना, -2 आ जाएगा, माइनस वैल्यू होती नहीं है रेशो में, या इससे निकालेंगे a प्लस बी, तो a प्लस बी आपने यहाँ से निकाला, a प्लस बी बराबर 7 था, तो आपने a का वैल्यू पुट कर दिया, तो b इज इक्वल टू 6, तो आप ऐसे कर सकते थे। तो अकॉर्डिंग टू योर तरीके जो शॉर्ट ट्रिक है उसे आप a बराबर 1, b बराबर 6 और c बराबर 5 आ गया, लेकिन अब बी और सी को जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए 3, लेकिन आपका जवाब तो गलत आ रहा है क्योंकि बी प्लस सी तो 3 नहीं हो रहा, बी प्लस सी तो 11 हो रहा है, तो इस सवाल को आप ऐसे नहीं कर सकते, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि ये दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए तभी आप दो वैल्यूज को इवेल्युएट कर पाते, तो क्या करें, तो क्या करें, तो हम सवाल को कैसे करते हैं उसको समझिएगा आप, तो डायरेक्ट करने की कोशिश ना करें, आपको प्रॉब्लम करेगा। तो हमने देखा ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/3 था, तो मैंने 3a का वैल्यू यहां पर निकाला, तो मैंने देखा तो a इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन 3, तो मैंने a का वैल्यू ऐसे निकाला कि a का वैल्यू ये होगा, इज इट क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। दूसरी वैल्यू थी हमारी c अपॉन a प्लस बी जो कि था 5/7 के बराबर, तो मैंने यहां पर भी a का वैल्यू निकाला क्योंकि मुझे a का वैल्यू पता है, मुझे निकालना क्या है, b निकालना है और c प्लस a निकालना, तो a तो मुझे मिल गया ये रहा, और मुझे सी का वैल्यू निकालना, तो सी का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, तो सी का वैल्यू मेरा क्या बना, तो यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई कर दें, 7c इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 5a + 5b, ओके ओके श्योर बताऊंगा। अब क्या हुआ, अब आपने निकाला 7c, तो भाई आपने देखा आपको a का वैल्यू तो पता है, दैट इज व्हाट, b प्लस सी अपॉन 3, तो पुट कर दें 7c इज इक्वल टू 5 × b प्लस सी अपॉन 3 और प्लस का 5b। अब हमारा दो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएंगी, पर आपने निकाला c का वैल्यू इज व्हाट, c इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं 20b / 16, या 4 से डिवाइड कर दो
सी इज इक्वल टू 5b/4, तो आपको c का वैल्यू भी मिल गया। अब आपको मिल गया c का वैल्यू, अब आपको निकालना क्या था, b प्लस सी अपॉन ए, बी अपॉन सी प्लस ए, हाँ ओके, वट इट विल बी, तो आप इसको निकाल सकते हैं आसानी से। तो आपने देखा b प्लस सी अपॉन ए आपने फाइंड आउट किया, तो वही क्या मिला, तो b का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ पर क्या, b अपॉन सी, एक मिनट b मैंने गलत लिख दिया है, एक मिनट देखा मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, ऐसे ओके, तो देखते हैं क्या मिला, तो पेन बन जाओ भाई। तो हमने देखा b प्लस सी, b अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू बार, दोनों को जोड़ दें तो क्या बनेगा, b का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला था, b अपॉन 5b प्लस 4 प्लस 3b अपॉन c का वैल्यू निकला था 4, तो इट विल बी आफ्टर सॉल्यूशन इट विल बी b अप इज इक्वल टू 8b अपॉन 4 एंड व्हाट इज इट, दैट इज b अपॉन 2b, b से b कट गया, दैट इज 1/b, राइट आंसर इज a। तो ट्राई करेंगे इस सवाल पर और ज्यादा से, तो सवाल समझ में आएगा थोड़ा सा। अच्छा एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को यहां तक मैंने अगर सॉल्व किया है, आप आगे सॉल्व करें तो मैं चाहूंगा, दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो। तो जो कल के सेशन में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा सेशन को, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस सवाल को सही से समझ पाए कि नहीं कर पाए। और यहाँ पर मुझे बोला एक बार 14 नंबर और, ओके 14 ये रहा। देखो 11 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है वो कहता है आपसे कि सम स्थानों पर आए अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर आए अंकों का डिफरेंस हमेशा जीरो होता है। तो आपने देखा ये स्थान कौन सा, पहला, तीसरा, पांचवा, ये दूसरा, ये चौथा और ये छठा। तो आपने इवन 2, 4, 6 पर अंक कौन कौन से है, 5, 3 और 5, इनको एक तरफ जोड़ा। ऑड नंबर पर कौन से है, 7, 4 और 3, इनको एक तरफ जोड़ा। तो इन 13 में से इसको घटाने पर आपको जीरो आना चाहिए। तो के की जगह मैं क्या पुट करूँ, के की जगह व्हाट शुड आई पुट, तो आपने कहा सर के की जगह 2 पुट कर दो, क्योंकि 11 में 2 जोड़ोगे तो 13 आ जाएगा। इज इट ओके, बात समझ में आई। तो भाई लाइक वाइक बड़े कम आ रहे हैं, क्या बात है, इतनी देर से हम सवाल को कंटिन्यू करे जा रहे हैं और लाइक पर आपकी कंजूसी लगातार बढ़ी हुई है। तो भाई लाइक वाइक करते रहो जल्दी से, जिससे कि सवाल मिलते रहें तेजी के साथ। ओके तो चलो अब मुलाकात करते हैं आपसे नए सेशन में कल, और देखते हैं आपको ये सेशन कैसा लगा। लाइक के द्वारा